सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम शतक में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। मंदिरों पर हमला स्वीकार नहीं, सिडनी से बोले मोदी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने सख्त कदम उठाने का दिया भरोसा। मणिपुर में हथियार और गोला बारूद के 3 कार्टन बरामद, 3 लोग गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। ₹2000 के नोट जमा करने के पहले दिन नहीं दिखी लंबी कतारें, बैंकों में पसरा रहा सन्नाटा। अमेरिकी विश्वविद्यालय भी जल्द भारत में खोल सकते हैं अपने कैंपस, पीएम मोदी की यूएस यात्रा में हो सकता है ऐलान। क्वांटम विश्वविद्यालय CUET पंजीकृत UGPG एवं अन्य प्रोग्राम्स में 1,00,000 से अधिक छात्रों ने किया आवेदन। MVA में सीट बंटवारे के लिए सबसे पहले कांग्रेस ने उठाई आवाज, कहा योग्यता के आधार पर हो हिस्सेदारी। UPSC में पहली बार 34% महिलाएं सफल, टॉप 4 में हिंदी माध्यम के 54 उम्मीदवार कायम, टॉप 20 में 16 उत्तर भारत से। राहुल गांधी को नया पासपोर्ट देने पर कोर्ट में सुनवाई, सांसदी जाने के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर किया था, 28 मई को अमेरिका जाएंगे। जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ में जमीन 1 फीट तक धसी, पुरानी बिल्डिंगों की तोड़फोड़ वजह, 4 धाम यात्रा पर खतरा नहीं। मोदी कैबिनेट में 10 जून से पहले फेरबदल संभव, उम्रदराज कैडर से बाहर के कुछ मंत्री पदमुक्त होंगे, संगठन में भी बदलाव। सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई का सफर 30 दिन में पूरा होगा, 7,200 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ी, स्वेज नहर रूट में से कार्गो की लागत 30% घटेगी। कर्नाटक के मंत्री बोले सिद्धरमैया ही 5 साल सीएम रहेंगे, MB पाटिल ने कहा पार्टी हाईकमान की तरफ से 2.5-2.5 साल जैसा कोई फॉर्मूला नहीं। प्रस्तावित डिजिटल इंडिया कानून से बेखौफ कर सकेंगे इंटरनेट का इस्तेमाल, संस्थानों की सुरक्षा पर भरोसे पर। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर, पीएम मोदी बोले T20 मोड में हमारे रिश्ते, 1 साल में अल्बनीज से पीएम मोदी की 6ठी मुलाकात। पीएम मोदी की क्रिकेट डिप्लोमेसी, ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज को वर्ल्ड कप और दिवाली का न्योता, अक्टूबर नवंबर में भारत क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। अमरोहा में 2 दिवसीय दौरे पर अमरोहा पहुंचे जयंत चौधरी, समरसता अभियान को लेकर की जनसभा, नोट बंद कर जनता को किया जा रहा है परेशान। औरैया में नवनियुक्त सिपाहियों को दी जा रही है ट्रेनिंग, शराब की दुकानों का किया गया निरीक्षण, नए सिपाहियों को सिखाई गई बारीकियां। औरैया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा गिरफ्तार, तमंचा कारतूस सहित मोबाइल फोन बरामद। बिजनौर में बारिश और तेज आंधी ने मचाई तबाही, तेज आंधी में गिरे पेड़ और बिजली के पोल, बिजली विभाग को काफी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है।
फतेहपुर में ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई, 290 वाहन सीज। कार्रवाई के चलते ट्रक मालिकों में मचा हड़कंप, कई खदान संचालकों को नोटिस भेजते हुए मांगा गया जवाब। गोंडा में नार्को टेस्ट पर बोले सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, सभी खिलाड़ियों का भी हो नार्को टेस्ट, खास तौर पर बजरंग पुनिया का नार्को टेस्ट होना चाहिए। लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियों की समीक्षा, सीएम ने अपने आवास पर की समीक्षा, खिलाड़ियों को दे अच्छी सुविधा सीएम। उन्नाव में मकान का छज्जा गिरने से हुई दर्दनाक मौत, मलबे में दबकर दो मासूम बच्चों की हुई मौत, परिजनों में मचा हड़कंप। बुलंदशहर में मामूली विवाद में पति ने पत्नी को मारी गोली, पति के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज, घायल हुई सिपाही की पत्नी को हेयर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। फतेहपुर में टॉर्च की रोशनी जलाकर ईएनटी सर्जन ने देखे मरीज, टॉर्च की रोशनी में इलाज करते वीडियो वायरल, भीड़ ज्यादा होने के चलते वे अपने पास रखे लाइट सिस्टम से मरीजों को देख रहे थे। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का विवादित बयान, बीजेपी सांसद ने विनेश फोगाट को बताया मंथरा। छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने किया बड़ा खुलासा, हाइजिया के कारनामों का जांच में नया खुलासा, एक छात्र को कई कॉलेजों से दिलाई छात्रवृत्ति। यूपी के 57 जिलों में येलो अलर्ट, बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना, एमडी ने लगातार 3 दिनों तक राज्य में बारिश की संभावना जताई। रामलला की अचल मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू, आचार्यों ने शिला पूजन कर प्रारंभ किया कार्य। पेड़ से टकराई इको कार, 4 लोगों की मौत, 1 की हालत नाजुक। किसान सम्मान निधि लेने वाले 10 लाख का पात्रों के खाते बंद, मृतकों को भी दिया गया पैसा। बैंक में सांप, 2000 नोट का बदलने को लाइन में खड़े लोग, नजर पड़ी तो मची हड़कंप, कर्मचारी दुबके पर वो ना आया हाथ। अखिलेश यादव बोले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा कर्नाटक में भाजपा की हार का असर। रोडवेज चालक के बेटे मोइन ने हासिल की 296 रैंक, इंटरव्यू में पूछा गया था डीएम बने तो क्या करोगे। रतनपुर क्षेत्र के भनवाड़ा में एनआईए की छापेमारी, मदरसे में पूछताछ जारी, 3 गाड़ियों में पहुंचे थे एनआईए के अधिकारी। मिल गया चौराहे से उठे बच्चा, 3 और बच्चे बरामद, झारखंड और राजस्थान से 9 आरोपी गिरफ्तार। माफिया अजीत शाही को रिमांड पर लेने के लिए कल अर्जी देगी पुलिस, जिला जज को भेजा गया पत्र। जेल में बंद महाठग संजय शैपुरिया, कभी दिल्ली में सचता था दरबार, अब कोई हाल पूछने में नहीं आता। समिति का निर्णय, अब मंदिर परिसर में मोबाइल ले जा सकेंगे कर्मचारी, सेवादार और सुरक्षा कर्मी। फूल बंगले में बाकी बिहारी मंदिरों में प्रभु को कराया जा रहा नौका विहार, 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ मथुरा वृंदावन तपा।
सरकार के खिलाफ बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के सुनवाई पूरी। अवधेश राय हत्याकांड में 2020 से वाराणसी स्पेशल कोर्ट में केस, प्रयागराज एडीजी कोर्ट में है फाइल। यूपीएससी टॉपर इशिता बोली, एनालिसिस और प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, देश के लिए कुछ करना था इसलिए शुरू की तैयारी, पापा से मिली इंस्पिरेशन। गैंगस्टर शेखर के इशारे पर हुई थी व्यापारी की हत्या, गाजियाबाद में शूटर मोनू ने दुकान में घुसकर मारी थी गोली, बीजेपी नेता AK-47 से कर चुका है हमला। काशी विश्वनाथ में रुपए लेकर स्पर्श दर्शन कराने पर FIR, सिक्योरिटी गार्ड और सेवादार रंगे हाथों धराए, श्रद्धालुओं से पहले भी हुई धन गवाही। यूपी के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट, सहारनपुर में ओले गिरे, बिजनौर में पेड़ के नीचे दबकर एक की मौत, चित्रकूट में पारा 48 डिग्री सेल्सियस। यूसीसी को लेकर आज से राजधानी में दो दिन जनसंवाद, विशेषज्ञ समिति का पूरा पैनल रहेगा मौजूद। सीएम धामी से मिले अक्षय कुमार, प्रदेश को नए फिल्म इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित करने पर हुई चर्चा। विदेशी मेहमानों का एयरपोर्ट पर छोलिया नृत्य से किया गया स्वागत, तुलसी की माला पहनाई गई। IAMA में पासिंग आउट परेड 10 जून को, बतौर अधिकारी सेना का अभिन्न अंग बनेंगे जेंटलमैन कैडेट। जाखंड नदी लॉट में खनन मामले में बड़ी कार्रवाई, 4 स्केलर सहित 5 कर्मी निलंबित। मौसम बिगड़ा तो कई जगह गिरे पेड़, बच्चे और अधिवक्ता समेत 3 की मौत, कई घायल। राम मंदिर के निकट राज अतिथि गृह बनाएगी धामी सरकार, जमीन की तलाश में जाएगी जल्द समिति। युवाओं को देश विदेश में मिली नौकरी, 350 से भी अधिक छात्र छात्राओं का 5-स्टार होटलों में चयन। इस मई से होगा संचालन, 4 घंटे 45 मिनट में पहुंचाएगी दिल्ली, ट्रेन का किराया भी जल्द निर्धारित किया जाएगा। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, यमुनोत्री हाईवे बंद, बिजली गिरने से कई बकरियां मरी। उत्तराखंड के युवाओं की धमक, रुद्रपुर की गरिमा की सबसे ज्यादा 39वीं रैंक। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति तोडेरा और अभिनेत्री कंगना रनौत पहुंची हरिद्वार। बैंक में पैसे लेकर निकले बुजुर्ग से बाइक सवार ने की लाखों की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। विवाद के बाद बारातियों और ग्रामीणों में जमकर चली लाठियां, मारपीट में दोनों पक्षों के 10 लोग हुए घायल। G20 बैठक के लिए नरेंद्र नगर है तैयार, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र पर होगा मंथन। पीएम को ऑस्ट्रेलिया में मिला गार्ड ऑफ ऑनर, ऑस्ट्रेलियाई नेता प्रतिपक्ष से भी की चर्चा, पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया रिश्तों को नई ऊंचाई देना चाहते हैं।
पीएम मोदी ने फिर उठाया ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले का मुद्दा, कहा स्वीकार नहीं कोई संबंधों का ठेस पहुंचाए। बुल्गेरियाई लेखक ने डार्क कॉमिक मेमोरी उपन्यास के लिए जीता इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, टाइम शेल्टर एक हास्य उपन्यास है। पीएम मोदी की आगामी यात्रा पर व्हाइट हाउस का बयान, यूएस भारत के बीच गहरे करीबी साझेदारी साबित करने का अवसर। ब्रिटेन के पूर्व पीएम की बड़ी मुश्किलें, लॉकडाउन नियम तोड़ने के मामले की नए सिरे से होगी जांच। WHO ने कहा कोरोना का खतरा टला नहीं, नया वेरिएंट या वायरस आ सकता है, ज्यादा जानलेवा महामारी के लिए तैयार रहें। कश्मीर में G20 मीटिंग का आखिरी दिन, विदेशी डेलीगेट्स ने योग किया। LG सिन्हा बोले जम्मू कश्मीर दुनिया के टॉप 50 टूरिस्ट प्लेस में शुमार होगा। इमरान के दो और करीबियों ने पार्टी छोड़ी, फयाज चौहान बोले 9 मई को हिंसा करने वालों को खान ने ट्रेनिंग दी, फौज भी निशाने पर। ईरान में फिर हावी हो रही कट्टरपंथी ताकतें, 9000 महिलाएं जेल में, 10 लोगों को फांसी, हिजाब विरोधी आंदोलन में 500 प्रदर्शनकारियों की मौत। अमेरिका के दिवालिया होने का खतरा बढ़ा, बाइडेन और हाउस स्पीकर की बातचीत नाकाम, 10 दिन में निकलना होगा हल। अब नहीं चलेगी टेलीकॉम सेक्टर में जियो और एयरटेल की बॉसगिरी, भारत सरकार ने बनाया मास्टर प्लान। ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर रोक लगाने मेरे हाथ में नहीं, RBI के गवर्नर ने कहा महंगाई पर लापरवाही की जगह नहीं। लाल निशान पर शेयर बाजार, सेंसेक्स 251 अंक टूटा, निफ्टी भी 18,300 से नीचे। जियो मार्ट करेगी 9000 लोगों की छटनी, 1000 कर्मचारियों को निकाला, दावा मुनाफा बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है कंपनी। सत्ताईस मई में सबसे कम रह सकता है पाम तेल आयात, भारत पेट्रोलियम को 168% अधिक लाभ। भारत की GDP पहली बार 350,000 करोड़ पार, अगले कुछ सालों में सबसे तेजी से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। फ्यूल की कीमतें $80 प्रति बैरल पर पहुंचा कच्चा तेल, पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव नहीं। नोकिया C32 भारत में लॉन्च, स्मार्टफोन में मिलेगी 3 दिन की बैटरी लाइफ, 50 MP ड्यूल कैमरा, शुरुआती कीमत 8,999। एप्पल सप्लायर विस्ट्रॉन ने भारत में आईफोन बनाना बंद किया, प्रॉफिट नहीं होने के चलते अपना बिजनेस समेटा, टाटा ग्रुप को प्लांट बेच रही कंपनी। डिज्नी में एक बार फिर होगी छटनी, तीसरे राउंड में 2,500 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला डिज्नी ने, कास्ट कटिंग कर रही महंगी। धोनी अभी नहीं लेंगे IPL से संन्यास, बोले 8 से 9 महीने बाद लूंगा फैसला, CSK के साथ किसी भी रूप में हमेशा बना रहूंगा। धोनी ने रिस्क लिया, टीम पेनल्टी के बावजूद जीती, पथिराना में से बॉलिंग कराने के लिए 4 मिनट रुका खेल, क्वालिफायर 1 के टॉप मोमेंट्स।
लखनऊ का दूसरी बार प्लेऑफ के एलिमिनेटर में मुकाबला। पावर प्ले में गेंदबाजी कमजोर, फिनिश करना ताकत, पहले बैटिंग करते 83 मैच जीते। चेन्नई 10वीं बार फाइनल में 15 रन से हारी। गुजरात जडेजा ने 18 रन देकर 2 विकेट लिए। सीजन में गायकवाड की 5वीं 50। इंडिया गेट पर एसएलएस का मार्च। तिरंगा लेकर समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे, बोले पुलिस ने समर्थकों को इंडिया गेट से भगाया। दुनिया की पूर्व शीर्ष टेनिस खिलाड़ी हालेप का खुलासा, टेनिस एजेंसी पर खिलाड़ियों से भेदभाव के आरोप लगाए। विश्व नंबर वन बनने वाले भारत के पहले एथलीट बने नीरज, जैवलिन थ्रो में शीर्ष पायदान पर पहुंचे। प्लेऑफ में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बेहद खराब, मुंबई इंडियंस के लिए बजी खतरे की घंटी। विराट कोहली का अनोखा रिकॉर्ड तोड़कर ऋतुराज गायकवाड ने रच दिया इतिहास। गुजरात के पास फाइनल में पहुंचने का है एक और मौका। दीपक चाहर ने की बल्लेबाज को मॉकडिंग करने की कोशिश, धोनी के रिएक्शन ने लूटी महफिल। अनुपमा फेम नीतीश पांडे का हुआ निधन, 51 की उम्र में एक्टर ने ली अंतिम सांस। 1995 में उन्हें पहला ब्रेक तेजस नाम के शो से मिला था। मशहूर टीवी एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय की सड़क दुर्घटना में मौत, खाई में गिरी गाड़ी। अदालत सीआईडी और साराभाई वर्सेस साराभाई से वैभवी ने बनाई पहचान। ऐश्वर्या राय ने बेटी आराध्या संग सेलिब्रेट किया मां वृंदा राय का बर्थडे। तस्वीर शेयर कर दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा। अदा शर्मा की द केरल स्टोरी की कमाई में आई भारी गिरावट, 19वें दिन का कलेक्शन रहा सबसे कम। आदित्य सिंह राजपूत का हुआ पोस्टमार्टम, अब खुलेगा मौत का राज, एक्टर के घर से दवाई भी बरामद। कांस 2023 के रेड कार्पेट पे प्रिंसेस लुक में मौनी रॉय ने बरपाया कहर, ब्रह्मास्त्र एक्ट्रेस के हर एक लुक पर टिक गई फैंस की नजर। कंगना रनौत ने किया द केरल स्टोरी पर रिएक्ट, बोली जब कोई ऐसी फिल्म बनती है तो लोग देखना चाहे तभी फिल्म को प्यार मिलता है। पुष्पा 2 में नजर आ सकते हैं रणवीर सिंह, कॉप बनकर देंगे अल्लू अर्जुन को इंट्रोडक्शन, कई बड़े एक्टर्स कर सकते हैं केमियो। सानिया मल्होत्रा के साथ मेट्रो में हुई थी छेड़खानी, मंचलों ने गलत तरीके से छुआ था, काफी देर तक पीछे भी पड़े रहे। जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत, कोर्ट ने विदेश जाने की इजाजत दी, आईएफएफए अवार्ड्स में शामिल होंगी। प्राइम शतक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।